बिहार कर्ज पे कर्ज लिए जा रहा है, कर्ज पे कर्ज लिए जा रहा है। एक बिहारी पे 30,000 रुपए से भी ज्यादा का कर्ज हो गया है। ये जा कहाँ रहा है पैसा? भ्रष्टाचार में बह रहा है। और हम लोगों ने तो पिछले बार बोली थी कि कार्रवाई की जाए, क्या कॉन्ट्रैक्टर पे कार्रवाई हुई? ब्लैकलिस्ट हुआ कॉन्ट्रैक्टर? क्या मंत्री पे कार्रवाई हुई? किसी अधिकारी पे कार्रवाई हुई? नीतीश कुमार जी को तो अंतरात्मा जगाना चाहिए। पूरा देश दुनिया देख रहा है उनका भ्रष्टाचार का खेल। तनक सा भी जो है नैतिकता और अंतरात्मा जो है वो नहीं जग रही, ये अद्भुत है। एक तरफ उद्घाटन कर रहे हैं, एक तरफ पुल, अब तो हम लाइव वीडियो भी दिखा दिए। पहली बार हम लोगों ने वहां के लोकल लोगों ने 70 घाट के पुलों का वीडियो बना करके देखा तो क्या क्या प्रश्न हमसे पूछे गए, क्या क्या इंजाम हम पे लगाया गया कि फेक वीडियो है, सरकार को बदनाम कर रही है। बताएं सरकार के लोग, मुख्यमंत्री जवाब दे, क्या वो नंदकिशोर जी को बर्खास्त करेंगे? क्या किसी अधिकारी पे कार्रवाई करेंगे? क्या कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करेंगे और पैसा मनी जो है वो रिकवर करेंगे बिहार का जो डूबा है? डूबा हुआ रकम जो भ्रष्टाचार में बह गया, ये पैसा कहां से रिकवर करेंगे? नीतीश कुमार जी हमको बताएं। और इसमें तो तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। सबसे पहले तो नंदकिशोर जी को बर्खास्त करना चाहिए। वैसे तो नैतिकता और जिम्मेदारी, नीतीश कुमार उद्घाटन कर रहे तो जिम्मेदारी उनकी है इस्तीफा करने का, उनको छोड़ देना चाहिए। लगातार जो है लोग जो है देख रहा है क्या क्या नहीं देश दुनिया के लोगों ने बिहार को लेकर के, पुल को लेकर के चर्चा की पिछले बार, फिर उद्घाटन कर रहे हैं। और उद्घाटन आज तो हद ही हो गई, वो तो उद्घाटन करने के 29 दिन बाद टूटा था। और एक तरफ उद्घाटन कर रहे हैं, एक तरफ बह रहा है पुल, क्यों नहीं सच्चाई को बताते मुख्यमंत्री? क्यों उन्होंने छुपाने का काम किया? क्यों नहीं बताया कि 12 दिन पहले भी टूटा था, मरम्मत के काम चल रहे थे, वहां के लोकल लोगों ने भी बताया था। ये वाले पुल के बारे में भी लोकल लोगों ने बताया कि 12 दिन पहले टूटा, भी ठीक नहीं रहेगा, इससे पहले भी जो पुल टूटा था। और पहले वाले पुल में क्या होता? जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के लोग एक दूसरे को गाली दे रहे। ये डबल इंजन का सरकार है, वहां के जनप्रतिनिधि लोग जो है एक दूसरे को गाली दे रहे। वो कहता है जेडीयू की वजह से टूटा, एक कहता है बीजेपी की वजह से टूटा। तो इसका जवाब दे ही कौन देगा? हम लोग तो लगातार जो है सरकार को सचेत करते रहे हैं, उनके कमियों को गिराते रहे हैं, लेकिन सरकार को थोड़ी सी भी तनक सी भी चिंता नहीं है बिहार का, बिहार के लोगों का। ये 509 करोड़ रुपए मामूली नहीं है, ये बिहार का एक बड़ा प्रोजेक्ट था, मेगा प्रोजेक्ट था। और दुर्भाग्य है कि भाई पुल जो है दे रहा है, अप्रोच पर दे रहे हैं, लगभग 7 तटबंध जो है सारण का वो टूट गया, बांध टूट रहे हैं। कितना अब तक बिहार का अरबों खरबों रुपया जो है टूट के बर्बाद हो गया, भ्रष्टाचार के बलि चढ़ गया। और इनके मंत्री कहते हैं ये मामूली बात है, आम बात है। इसलिए हम सोचे कि जो सच्चाई है वो बिहार के देश के जनता के सामने आना चाहिए। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम तो उनको कहते हैं मुख्यमंत्री जो है भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं, ऐसे ही नहीं कहते हैं नीतीश कुमार जी? कैसा है बिहार में बाहर? पूरे तरीके से बिहार में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। लोग तबाह हैं, परेशान हैं, और आप जो है भ्रष्टाचार का खेल कर रहे हैं, लोगों का पैसा लुटवा रहे हैं, लूट रहे हैं, और किसी पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो इस संदर्भ में अब तो ऐसा लाइव वीडियो कॉल करके भी हमने दिखा दिया
पहले का चंद मिनट पहले का भी वीडियो दिखा दिया, 12 दिन पहले जो टूटा था उसका भी हमारे पास जो है पिक्चर है। लेकिन सरकार के लोग हम ही को गाली देंगे, हम ही पे उंगली उठाएंगे कि विपक्ष के लोग राजनीति कर रहे हैं। आप बताइए, बिहार का 509 करोड़ रुपया डूब गया, अब विपक्ष जो है सवाल नहीं पूछेगा, जवाब कौन देगा? जवाब कोई नहीं देता। जवाब में मिलेगा क्या तेजस्वी को गाली मिलेगा? अरे भैया, हमको गाली देना है गाली दीजिए, लेकिन अपना जिम्मेदारी तो ठीक से निभाते हैं, काम तो करते हैं। तो इसलिए हम सोचे कि आप लोगों को, अभी भी उद्घाटन चल ही रहा है, समारोह चल रहा है, खुशियां मनाई जा रही है, क्या बिहार तरक्की कर लिया, और गाली हम ही लोग को मिल रहा है। हमने तो ये भी बोला, इससे ज़्यादा हम क्या बोले कि श्वेत पत्र जारी कीजिए और खुली बहस की चुनौती हम देते हैं मुख्यमंत्री को। विधानसभा में रहते नहीं हैं, पहली बार विधानसभा में भी ऐसा हुआ कि ना डिप्टी सीएम था ना सीएम था जब नेता विरोधी दल बोल रहा था। तो हालांकि परंपरा ये रही है कि विधानसभा में डिबेट होने के बाद विधान परिषद में होता है, ये परंपरा रही है। कोई भी मुख्यमंत्री पहले विधानसभा में जवाब नहीं दिया, मतलब पहले दे दिया करता था, विधान परिषद में पहले नहीं देता। लेकिन विपक्ष के नेता की बातों को नहीं सुन करके, एक महत्वपूर्ण डिबेट को ना सुन करके आप जो है, चलिए ठीक है, सदन में गए दूसरे सदन में, आपको रहना चाहिए था। और जितने सवाल पूछे गए उसका कोई अब तक जो है जवाब नहीं मिला। तो हम लोग तो आज जो है इन्हीं चीज़ों पे, आगे भी और भी चीज़ें हैं जो एक आध दो दिन में हम आप लोगों के बीच हम फिर बुला करके बातें हम जो है अपनी रखेंगे। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बिहार में बेरोजगारी है, भूख से मर रहे हैं, बिहार सरकार कर्ज पे कर्ज ले रही है, बिहारियों पर कर्ज भारी हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, मूल दे जा रहे हैं, तटबंध टूट रहा है, चूहा खा जा रहा है, और कार्रवाई किसी पे नहीं हो रही, जवाबदेही किसी पे नहीं हो रही। एक दो दिन बाद सब जो है भूल जाते हैं, बिहार का पैसा डूब जाता है और कोई कार्रवाई नहीं की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी आज उद्घाटन कर रहे थे, कम से कम ये तस्वीर भी दिखाते और बताते कि बिना तैयार हुए हुए पहले इसका क्यों उद्घाटन कर रहे हैं। और उद्घाटन कर भी रहे हैं तो पहले जो घटना हुई 70 घाट पुल पे, उसमें क्या कार्रवाई उन्होंने किया ये भी बता देते।